गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम वेजिटेबल बनाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम वेजिटेबल बनाएंगे। देखो यहाँ से ऐसे यहाँ से इसके बाद हम कलर फिल करेंगे इसके अंदर। ये हो गया, इसके बाद हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। कलर फिल में फिर आपको इसमें आप येलो कलर फिल करना है। यहाँ भी ऐसे ही येलो करना है। फिर इसके बाद वहाँ पे ग्रीन फिर उसके बाद डार्क ग्रीन आएगा। फिर आपको कलर फिल करना है, उसके बाद वाटर कलर से या ऑयल पेस्टर से आप कलर फिल कर सकते हो। यहाँ से डार्क आएगा ग्रीन। यहाँ भी डार्क। उसके बाद थोड़ा ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स करके यहाँ से मिक्सिंग करनी है। और यहाँ से भी ऐसे यहाँ से थोड़ा से इसके बाद थोड़ा ग्रीन और ब्राउन यहाँ पे और यहाँ मिक्सिंग थोड़ी करनी है। थोड़ा ब्लू डार्क ब्लू और ब्लैक आएगा। टमाटर में आपको रेड और ऑरेंज
दोनों को मिक्स करना है। इसके बाद रेड आएगा। इसके बाद आपको मिक्सिंग करनी है, ये और रेड और ब्राउन। वापस आपको रेड लेना है। इसके बाद ग्रीन, अब आएगा येलो। आपके पास पेंसिल कलर, व्हाइट पेस्टल या वाटर कलर, अब उसको यूज़ कर सकते हो कलर को। इसके बाद ग्रीन और ब्लू दोनों को मिक्स करना है। इसके बाद डार्क ग्रीन आएगा, डार्क ग्रीन और ब्लू और ब्राउन तीनों मिक्स करना है कलर आपको। उसके बाद ब्लैक और ग्रीन तीनों मिक्स करना है। उसके बाद एक यहाँ से लाइन निकालनी है, ऐसे उसके बाद यहाँ पे शेडिंग आएगी। वेजिटेबल को पहले ड्राइंग करना है, उसके बाद आपको पेंसिल से, फिर उसके बाद कलर फिल करना है, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल या क्रेयॉन कलर, और उसके साथ आप मिक्स करते हो। उसको मिक्स करना है, पहले आपको येलो करना है, उसके बाद लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, उसके बाद डार्क ग्रीन के साथ डार्क ब्लू आएगा और आपको दोनों मिक्स करने हैं। और यहाँ पे टमाटर में रेड, ऑरेंज या येलो तीन आपको कलर मिक्स करना है। पहले येलो करना है, उसके बाद ऑरेंज फिर रेड। आपके पास वाटर कलर है तो वाटर कलर के अंदर रेड, ऑरेंज और ब्राउन आपको तीनों कलर मिक्स करके इसके अंदर मिक्सिंग करना है। ठीक है, वैसे समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो।
यहाँ से शेडिंग आएगी, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक, ओके। उसके बाद आपको फाइनली ग्रीम करना है। ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स करने हैं यहाँ पे। इसके बाद यह शेडिंग आएगी। हो गया वेजिटेबल। थैंक यू, थैंक यू।